एक है काशी और दूसरा है उत्तरकाशी। ये तो सब जानते हैं कि काशी यानी बनारस देश का सबसे प्राचीन शहर है, लेकिन उत्तरकाशी का किस्सा क्या है? क्या उत्तरकाशी भी काशी की ही तरह सबसे पुराना शहर है, या उत्तरकाशी को किसी और नाम से जाना जाता था और उसका नाम बदलकर उत्तरकाशी किया गया? अगर इसका नाम बदला गया तो उत्तरकाशी का पुराना नाम क्या था, और ये नाम क्यों बदला गया और कब बदला गया? इन तमाम जिज्ञासाओं का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। उत्तरकाशी उत्तराखंड का एक नगर और जिले का हेडक्वार्टर। इस पहाड़ी शहर की और भी पहचाने हैं, जैसे भागीरथी नदी, विश्वनाथ मंदिर और वरुणावत पर्वत। लेकिन इस शहर की एक और पहचान इतिहास के पन्नों में कहीं गुम होकर रह गई है, और वो है इस शहर का नाम। दोस्तों, उत्तरकाशी का नाम उत्तरकाशी कैसे पड़ा और क्यों पड़ा, इसकी बहुत ज्यादा डिटेल मुझे नहीं मिल पाई, लेकिन काशी और उत्तरकाशी में कुछ समानताएं हैं। जैसे कि दोनों शहर गंगा नदी के किनारे हैं, उत्तरकाशी जो है वो भागीरथी नदी के किनारे है। दोनों शहरों में भगवान विश्वनाथ के मंदिर हैं, दोनों शहरों में मणिकर्णिका घाट है। लेकिन दोस्तों, ये फैक्ट है कि उत्तरकाशी का पुराना नाम उत्तरकाशी नहीं था, बाड़ाहाट था। और गढ़वाल की जो लोक कथाएं हैं, जो लोकगीत हैं, उनमें बाड़ाहाट का जिक्र कई जगह मिलता है। तो फिर बाड़ाहाट को उत्तरकाशी किसने और क्यों किया, इस पर महापंडित राहुल सांकेतायन ने अपनी किताब में बहुत तल्ख टिप्पणी की है। दुनिया भर का भ्रमण करने वाले और भारत से लेकर तिब्बत तक हिमालय की समाजों, इतिहास, संस्कृति और जीवन को बहुत नजदीक से देखने, जानने और समझने वाले महापंडित राहुल सांकेतायन ने अपनी किताब हिमालय परिचय में लिखा है, बाड़ाहाट को देसी लोग उत्तरकाशी कहते हैं, लेकिन इस नामकरण का श्रेय गढ़वाली पंडों को है, जो पहाड़ में प्रयागों, काशियों की ढेर लगा देना चाहते हैं। बाड़ाहाट टिहरी से 45 मील पर गंगोत्री के रास्ते में भागीरथी के दाहिने किनारे पर कुछ समतल सी भूमि में अवस्थित है। इसे सौम्य काशी बनाने का पूरा प्रयत्न किया गया है। बाड़ाहाट का मतलब दरअसल होता है बड़ा बाजार। उत्तरकाशी जो है, किसी दौर में जब वो बाड़ाहाट का दौर था, तो भारत और तिब्बत के बीच जो व्यापार होता था उसका एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। यहां पर मेला लगता था, बहुत भीड़ होती थी, तो तिब्बत के व्यापारियों को लुभाती थी ये भीड़, ये बाजार जो है। तिब्बत के व्यापारी वहां से सामान लेकर आते थे, बाड़ाहाट बाजार में बेचते थे और यहां से कुछ सामान लेकर वापस लौट जाते थे। तो बाड़ाहाट को नाम बदलकर भले ही उत्तरकाशी कर दिया गया हो, लेकिन पहाड़ की जो लोक स्मृतियां हैं उनमें बाड़ाहाट अभी भी जिंदा है दोस्तों। उत्तरकाशी का पुराना नाम बाड़ाहाट होने की पुष्टि करता है उत्तरकाशी में हर साल लगने वाला माघ मेला। वो मेला कभी बाड़ाहाट का थौलू नाम से बहुत मशहूर था, जो कि कभी तिब्बत के साथ व्यापार का साक्षी रहा है। तब बाड़ाहाट के इस मेले में तिब्बत के व्यापारी भेड़, बकरी, घोड़े और याक पर लाद कर ऊन, रेशम, पश्मीना, हींग, नमक, मूंग की माला जैसा सामान लेकर आते थे, और इसके बदले यहाँ से कुट्टू का आटा, जौ, गेहूं, चावल जैसा अनाज लेकर जाते थे। लेकिन सन 1962 में चीन भारत युद्ध के बाद बाड़ाहाट का व्यापार बंद हो गया। भारत तिब्बत के बीच जिस कठिन रास्ते से व्यापारियों का आना जाना होता था, उनमें गड़तांग गली प्रमुख है, जिसकी कुछ समय पहले ही उत्तराखंड सरकार ने मरम्मत कराई है। क्योंकि बाड़ाहाट नाम उत्तरकाशी का पुराना नाम रहा है, इसलिए स्थानीय लोगों के इमोशंस भी इससे जुड़े हुए रहे हैं। बाड़ाहाट नाम की बहाली को लेकर स्थानीय लोगों ने कई बार जो है वो कैंपेन चलाया, मुहिम चलाई। साल 2014 में जो उत्तरकाशी की नगर पालिका परिषद है, वहां से बाकायदा एक प्रस्ताव पारित हुआ कि उत्तरकाशी नगर पालिका का नाम बदलकर नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट कर दिया जाए। ये साल 2014 की बात है, और इस प्रस्ताव को पारित करके
राज्य सरकार को भेजा गया था साल 2014 में। लंबे समय से चली आ रही मुहिम साल 2016 में रंग लाई, जब उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तरकाशी नगर पालिका का नाम बदलकर नगर पालिका बाड़ाहाट करने की घोषणा की। शासनादेश भी जारी हो गया, अब यहाँ की नगर पालिका बाड़ाहाट के नाम से ही जानी जाती है। हालांकि बाड़ाहाट को बड़ा बाजार मानने पर महापंडित राहुल सांकृतायन का अलग मत है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, हाट पहाड़ में बाजार नहीं बल्कि पुराने समय की राजधानियों को कहा जाता था, जैसे द्वाराहाट, तेलीहाट। बाड़ाहाट यानी बाड़ा की राजधानी। बाड़ा का क्या अर्थ है यह बतलाना मुश्किल है, किंतु बाड़ा का संबंध गुगे के राजाओं से अवश्य रहा है। इस सिलसिले में राहुल सांकृतायन ने कुछ ऐतिहासिक संदर्भों का हवाला दिया है। उन्होंने लिखा है, बाड़ाहाट में विश्वनाथ मंदिर के सामने के त्रिशूल के बारे में कहा जाता है कि ये किसी भोट के राजा ने बनवाया है, तथा ये भी कि यहाँ कभी किसी भोट राजा की राजधानी थी। वो विशाल त्रिशूल 26 फुट ऊंचा है, जो कि नीचे पीतल और ऊपर लोहे का बना है। बाड़ाहाट नाम कितना पुराना है और उत्तरकाशी नाम कब रखा गया होगा, इसका एक अनुमान लगाने के लिए हम गढ़वाल राज्य के इतिहास से गुजरेंगे तो कई चीजें पता चलती हैं। इसका कई जगह जिक्र आया है कि जब सन 1803 में गढ़वाल राज्य की राजधानी श्रीनगर पर नेपाल से आई गोरखा सेना ने हमला बोल दिया था, तो गढ़वाल का राजा जो है, वो तत्कालीन राजा जो है, वो भागकर देहरादून पहुंचा था बाड़ाहाट के रास्ते। जी हाँ, बाड़ाहाट। उत्तरकाशी का तब कोई जिक्र नहीं है, और इसका जिक्र कई जगह है कि वो बाड़ाहाट के रास्ते देहरादून पहुंचा था गढ़वाल का राजा। तो जिक्र बाड़ाहाट का आया है, उत्तरकाशी का नहीं। यानी तब 19वीं सदी में बाड़ाहाट ही प्रचलन में था, उत्तरकाशी नहीं था। राहुल सांकृतायन ने बाड़ाहाट की ऐतिहासिकता को लेकर एक अभिलेख का जिक्र किया है, जो कि आज के उत्तरकाशी में विश्वनाथ मंदिर के पास है। राहुल सांकृतायन ने लिखा है, बाड़ाहाट को नकली काशी बनाने से उसका ऐतिहासिक महत्व तो कम नहीं हो जाता, क्योंकि यहाँ विश्वनाथ मंदिर के सामने का विशाल त्रिशूल सारे गढ़वाल कुमाऊं में सबसे पुरानी पुरातात्विक कृति तथा उसका अभिलेख प्रायः सबसे पुराना अभिलेख है। इसकी लिपि ईसा की 6वीं-7वीं सदी की है। इसी लिपि में गोपेश्वर के त्रिशूल के डंडे का भी लेख है। आज की उत्तरकाशी के जिस त्रिशूल में दर्ज अभिलेख का जिक्र राहुल सांकृतायन ने किया है, उसका उल्लेख प्रकांड विद्वान और किसी जमाने में उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री रहे डॉक्टर शिवानंद नौटियाल ने भी अपनी किताब में किया है, जिससे अंदाजा लगता है कि बाड़ाहाट यानी आज का उत्तरकाशी शायद कभी नागवंशी राजाओं की राजधानी रहा होगा। डॉक्टर नौटियाल ने लिखा है, बाड़ाहाट और गोपेश्वर के त्रिशूलों पर उकेरे गए लेखों से विदित होता है कि उस समय स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग, गणपतिनाग और गृहनाग नामक नाग राजा शासन कर रहे थे। स्कंद पुराण केदारखंड के अनुसार वर्तमान बाड़ाहाट ही वर्णावत स्थान है, जहां लाख का मकान बनाकर दुर्योधन ने पांडवों को जलाना चाहा था। तो दोस्तों, ये है बाड़ाहाट के उत्तरकाशी बन जाने की कहानी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत उपयोगी लगा होगा। मुझे हमेशा की तरह आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट छोड़ सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक करिएगा, इसे शेयर करके दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइएगा इस कहानी को। और अगर आपने अभी तक मेरा जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट करें ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।